पहला सवाल आ रहा है वो है, इज देयर एनी चांस दैट आई कैन एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी। हाँ तो भाई, ये सब लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट कैसे करें, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये भक्ति में हम आगे बढ़े कैसे। वैसे तो सुबह शाम दिन रात शास्त्र में ये विधि है कि हमें भगवान का ही चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चिंतन मनन, उनके बारे में ही सोचकर हमें अपना समय बिताना चाहिए। लेकिन अब हम ठहरे कलयुग के भौतिक जीव, हम ये करें कैसे, हम तो अस्त व्यस्त त्रस्त है क्योंकि हम कलयुग में ग्रस्त है, हम तो भौतिक जीव है। वैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते थे जैसे सखागण हो गए, यशोदा मैया हो गई, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, ओनली कृष्णा। अब वो तो हो गए भगवान के नित्य पार्षद, वो तो भगवान के साथ उन्होंने लीला की, वो तो सोचेंगे ही। लेकिन हमारे जो आचार्य हुए, जो भगवान के प्योर शुद्ध भक्त हुए, जो हमारे शरद गोस्वामी हुए, श्रील प्रभुपाद हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, उनका भी मन हमेशा भगवान में, भगवान के कार्यों में, भगवान के नामों में हमेशा लगा रहता था। लेकिन हमसे तो ऐसा नहीं होता, तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े कैसे। हमारा मन भगवान को छोड़कर इधर उधर की हर चीजों में लग जाता है, हमारा मन कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, फोन में लगा रहता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है, चैटिंग करने में, तो कभी निंदा करने में, किसी के बारे में चुगली करने में, निंदा करने में, इंसल्ट करने में लगा रहता है, गॉसिप टॉक्स, इतनी बढ़िया बढ़िया गॉसिप टॉक्स होती है, जैसे आंटी लोग करते हैं ना सड़क के बीच में खड़े होकर, एकदम मेन रोड के बीच में खड़े होकर, गाड़ी ये रास्ता मेरा बाप का है, मैं इधर ही बात करेगा, ऐसे करके वो गॉसिप टॉक्स, इन सब में मन लगा रहता है। तो हम भगवान के बारे में सोचे कैसे, मन लगाए कैसे भगवान में। तो ये कलयुग की घनघोर अवस्था देखकर भगवान ने हमारे ऊपर अपार कृपा की। तो क्या है वो कृपा, तो सबसे पहला कृपा, वैसे भगवान ने बहुत सारी कृपा की है, कृपा की ताकि हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सके। तो सबसे पहला कृपा, भगवान ने ये मानव शरीर दिया है हमें, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया है, और ऐसा मानव शरीर दिया जिसमें हाथ ठीक है, पैर ठीक है, नेत्र ठीक है, कान ठीक है, पैर ठीक है, सब ठीक है, अस्वस्थ शरीर नहीं है, एकदम स्वस्थ शरीर दिया। आप सोचिए, सूरदास जी, भगवान के शुद्ध भक्त सूरदास जी, वो नेत्रहीन थे, भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो नेत्रहीन थे, स्वयं नेत्रहीन होकर भगवान के बारे में इतनी सुंदर सुंदर पदे लिखे, इतनी स्तुतियां की भगवान के चरण की, इतनी वंदना की, स्वयं नेत्रहीन होकर बहुत सारी पीढ़ियों को, बहुत सारे लोगों को नेत्र दिए ताकि हम भगवान को समझ सके। और कहने का अर्थ है कि हमें भगवान ने मानव शरीर दिया, और उल्टा फुल्टा मानव शरीर नहीं दिया, एकदम स्वस्थ चंगा मानव शरीर दिया। तो भगवान ने दया करके हमें मानव शरीर दिया, मानव शरीर में उनमें नेत्र फिट किए ताकि हम इन आंखों से भगवान के दर्शन कर सके, उसमें जिह्वा फिट किए ताकि हम उस जिह्वा से भगवान का नामों का उच्चारण कर सके, चैंटिंग कर सके, और विदाउट एनी डिफेक्ट ये शरीर दिया, पैर दिए, हाथ दिए, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। लेकिन हम में से कोई करता है? नहीं करता। भगवान कृपा किए, कान से भजन, नासिका से भजन, आंख से भजन, हाथ से भजन, हर चीज से, ताकि हम भगवान की भजन कर सके, तो ये सब भगवान ने हमें दिया। लेकिन क्या हम भजन करते? नहीं, हम भजन नहीं करते। तो भगवान यहाँ रुके नहीं, भगवान और आगे गए। भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुमको भजन करना पसंद नहीं, ठीक है चलो मत करो, मैं तुमको ऐसा भक्तों का समुदाय दूंगा, ऐसा भक्तों का समाज दूंगा, शुद्ध भक्तों का समाज दूंगा, तुम्हें बस उन भक्तों के समाज में जाकर जुड़ना है, सम्मिलित होना है। जैसे जब हम सोचो, हमें पता नहीं ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं और ट्रेन से कैसे उतरते हैं, लेकिन अगर हम सही प्लेटफॉर्म में जाकर खड़े हो जाए, जिस जहां से ट्रेन आएगी, तो जब भीड़ लगती है ना, तो उस भीड़ के दम से ही हम ट्रेन के अंदर चले जाएंगे, और जब हमारा अस्थि स्टॉपेज आएगा, तो उस भीड़ के दम से ही हम बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही होते शुद्ध भक्तों का संग, बस उस शुद्ध भक्त के संगों में जाकर मिलना है, उन शुद्ध भक्तों के संगत से ही हम कैसे भगवान को प्राप्त करके उनकी सेवा कर लेंगे, ये हमें खुद ही नहीं पता चलेगा। तो अब हम कह सकते हैं, नहीं प्रभु, अब भक्तों का समाज कौन ढूंढने जाएगा इतने भीड़ भाड़ में। तो भगवान ने और कृपा किए, भगवान ने एड्रेस दिया, भगवान ने मंदिर दिया, मंदिर में विग्रह स्थापित किए, विग्रह स्थापित करते हुए वहां पर शुद्ध भक्तों का समुदाय दिया, शुद्ध भक्तों के समुदाय के साथ साथ उत्सव दिए, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, सब कुछ दिया, रामनवमी, ऐसे बड़े बड़े उत्सव दिए, ताकि अगर हम शुद्ध भक्त के समुदाय में भी ना जाए, तो मंदिर में जो उत्सव हो रहे हैं ना, उत्सव में उत्साहपूर्ण बस जाकर सम्मिलित होना है। सम्मिलित होने से क्या होगा उत्सव में, उत्सव के समय जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग कीर्तन करते, कथा करते, तो उनके कीर्तन और कथा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, तो भगवान उनके ऊपर
कृपा की बरसात करते हैं, तो जब हम उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं ना, तो वो जो कृपा की बरसात होती है ना, उसके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ती है, तो तब हम भी शुद्ध हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, नहीं प्रभु फिर भी मन नहीं लगता। तो फिर भी अगर मन ना लगे तो भगवान ने धाम दिए, एक जगह मत रहो, धाम दिए, वृंदावन दिया, मथुरा दिया, अयोध्या दिया, धाम जाओ, तीर्थ स्थली में जाओ, लीलाओं का दर्शन करो, मेरे बारे में सुनो, भजन करो, मेरे बारे में भजन करो। फिर भी हम कह सकते हैं, प्रभु भजन करने में मन नहीं लगता, चैंटिंग करने में मन नहीं लगता, ठीक है भजन मत करो, क्या करो, गोवर्धन दिया, तुमको बैठे बैठे भजन करना पसंद नहीं है ना, चलते रहो, चलते चलते भजन करो, 3 घंटा 4 घंटा बस तुम परिक्रमा लगाओ, मैं इतनी कृपा दूंगा, इतनी कृपा दूंगा कि तुम तर जाओगे। अब हम कह सकते हैं कि नहीं प्रभु इसमें भी मन नहीं लगता, हम भगवान को ऐसा नहीं कह सकते कि अगर भगवान ने हर परिस्थिति दी है हमें भक्ति करने के लिए, ऐसा कभी नहीं कह सकते कि भगवान अगर आप ये कर देते ना तो शायद मैं शुद्ध भक्त हो जाता। हर परिस्थिति दिया भगवान हमें भक्ति करने के लिए, धाम दिया, नाम दिया, वो भी एक नाम नहीं दिया, अलग अलग नाम दिए, कहीं पर राधा मदन मोहन, कहीं पर राधा गोपीनाथ, कहीं पर राधा रमन, कहीं पर राधा गिरिधारी, कहीं पर राधा श्याम सुंदर, बहुत सारे नाम दिए, नाम रटो। अच्छा नाम रटना पसंद नहीं, ठीक है एक ही मंत्र रटो, हरे कृष्ण महामंत्र। अब हम कह सकते हैं प्रभु मंत्र रटने में अच्छा नहीं लगता, क्या हरे कृष्ण करे, तो उस हरे कृष्ण महामंत्र में भी डिफरेंट ट्यून्स दिए, डिफरेंट ट्यून्स, अलग अलग मेलोडी बनाकर, अलग अलग ट्यून बनाकर आप उस मंत्र को गाओ, लेकिन प्रभु वो मंत्र गाने में ना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है प्रभु ने बुक्स दिए, बुक्स कि ठीक है चलो कुछ पढ़ लो, मेरे बारे में पढ़ लो, प्रभु पढ़ने में भी मन नहीं लगता, तो ठीक है तो आप पढ़ो मत, मैं आपको ऐसे भक्त दूंगा, उनके पास बस आपको जाकर बैठना है, वो आपको सुनाएंगे, वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रभु इसमें भी तो मन नहीं लगता, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें आचार्य दिए, हमें श्रीला प्रभुपाद जैसे आचार्य दिए भगवान श्री कृष्ण ने। सोचो इतने सारे ग्रंथ है, क्या हम इतने सारे ग्रंथ पढ़ेंगे? तो श्रीला प्रभुपाद ने जो ग्रंथ का जो एकदम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब प्रभुपाद ने बुक्स में लिख दिया, भगवत गीता भागवतम बस पढ़ने से ही हम हो जाएगा। पद्म पुराण का जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम कलयो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, ये हमें पता होता क्या अगर प्रभुपाद ये भगवत गीता के परपोर्ट या श्रीमद भागवतम के परपोर्ट में नहीं लिखते? कोई पद्म पुराण पढ़ता? नहीं पढ़ता। तो ऐसे आचार्य दिए, हम भगवान को कह ही नहीं सकते कि भगवान अगर आप ये कर देते ना तो हम गारंटी में एडवांस कर लेते स्पिरिचुअल लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे हैं, बस हम करना नहीं चाहते, बस हरि कथा सुनना है, हरि नाम लेना है, श्रवणम और कीर्तनम, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट। श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा। तो ये तीन अगर हम निष्ठा से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, नहीं होता है तो भक्तों के समुदाय में बैठ के करो, क्योंकि जब दूसरा लोग करेगा ना तब आपको लगेगा अरे ये तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे भी करना चाहिए, तब जाकर आप एडवांस कर पाओगे। तो श्रवणम कीर्तनम, और वेदव्यास जी तो खुद कहते हैं कि कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो, क्यों? क्योंकि जो 60,000 साल तपस्या करने के बाद सतयुग में मिलता था, वो कलयुग में बस एक बार हरि का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम लेने से, शुद्ध प्रेम से लेने से वो मिल जाता है। तो एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बस हम करना नहीं चाहते। तो